is the Congress, Congress word is taken from American history. And the meaning of the Congress is peacefully assemble of people to solve any problem. तो उसको कांग्रेस बोलेंगे। कहीं पर भी अगर आप बातचीत करने के लिए किसी समस्या का समाधान के लिए अगर बैठक कर रहे हैं तो इसको बोला जाएगा कि कांग्रेस है। कांग्रेस इज ए वर्ड विच मीन्स पीसफुल्ली असेंबल ऑफ पीपल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो ये अमेरिकन इतिहास से लिया गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस वर्ड जो है इसको भारतीय राजनीति में लाया किसने, तो आप लिखिए दादा भाई नौरोजी। After the suggestion of Dada Bhai Nauroji, ये एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, ऑल इंडिया यूनियन। सो द वर्ड ऑल इंडिया यूनियन, ये ऑल इंडिया यूनियन में यूनियन शब्द को कन्वर्ट किया गया कांग्रेस। किसके कहने पर किया गया? आपका द सजेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के कहने पर किया गया इस शब्द को कांग्रेस। अब कांग्रेस के बारे में थोड़ी सी आप बेसिक चीज को जानेंगे। कांग्रेस की स्थापना आप लिखिए 28 दिसंबर 1885 मंडे, ये बॉम्बे में, जगह का नाम लिखिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, इसमें स्थापना हुआ था कांग्रेस का बॉम्बे में। लेकिन इसके पहले बिफोर बॉम्बे एग्जाम में आएगा कि पहले स्थान चुना गया था पूना, और पूना के पहले स्थान चुना गया था कलकत्ता। कांग्रेस के फॉर्मेशन के लिए पहला स्थान कलकत्ता चुना गया था, और आप लिखते जाइएगा कि कलकत्ता का परमिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं दिया, क्योंकि ऐसा लगता था कि कलकत्ता वाज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पर अगर संगठन बनेगा तो ब्रिटिश सरकार के लिए ज्यादा चुनौती होगा, तो दे दी गिव परमिशन फॉर कलकत्ता, दे गिव परमिशन फॉर पूना। पूना का परमिशन दिया गया, और पूना में लिखेंगे कि पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा जो था महादेव गोविंद रनाडे का, महादेव गोविंद रनाडे का, दे वांटिंग टू डू ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कांग्रेस इन पूना, तो पूना को चुना गया कि पूना में कांग्रेस की स्थापना की जाएगी। और इसके बाद पूना के बाद ये स्थान चेंज हो गया, पूना में लिखिए कोलरा फैल गया, हैजा। एग्जाम में आता है कि क्यों चेंज हुआ, तो पूना में क्या फैल गया, हैजा। और हैजा फैलने के बाद यहां से स्थान चेंज होकर के चला गया बॉम्बे। तो कांग्रेस का पहला जो स्थापना हुआ है, कांग्रेस का जो पहला सेशन भी हुआ, ये बॉम्बे में हुआ। पूना से चेंज हुआ हैजा फैलने के चलते, उसके पहले चुना गया था कलकत्ता, लेकिन कलकत्ता का परमिशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला बताइए, कलकत्ता का परमिशन क्यों नहीं मिला? ठीक है, ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा कलकत्ता में, इसलिए उसका परमिशन ही नहीं दिया गया। अब बॉम्बे में कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, स्थापना करने वाले एओ ह्यू, एलन ऑक्टेवियन ह्यू, और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले, ये हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एओ ह्यू कांग्रेस का अध्यक्ष कितना बार बने, याद रखना एक बार भी नहीं बने। ही वॉज द फाउंडर बट ही रिमेन सेक्रेटरी इन कांग्रेस अप टू 15 ईयर्स। ये ध्यान रखना है कि 15 वर्षों तक ये कांग्रेस में महासचिव थे, नेवर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इवन वंस, ये कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं है। तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे,
और ये भी एग्जाम एक बार आया है कि वो क्या थे भारत में, तो ही वाज ए सिविल सर्वेंट, वो सिविल सेवा के कर्मचारी थे। एंड ही वाज प्रमोटेड अप टू सेक्रेटरी लेवल, इनका प्रमोशन होते होते ये क्या बन गए, सेक्रेटरी बन गए। लेकिन इनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया कि ये भारतीयों का ज्यादा सपोर्ट करते हैं और इसलिए इनको फिर सेक्रेटरी से हटा करके वापस बना दिया गया कलर। इनिशियली ही स्टार्टेड द जॉब विद कलर, देन आफ्टर ही बिकम सेक्रेटरी एंड आफ्टर देन अगेन बिकम कलर, दैट इज डिमोशन। कि आप हायर पोस्ट पर जाकर के फिर जूनियर पोस्ट पर आ जाते हैं, तो डिमोशन होता है। अब ए और होम की पोस्टिंग थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, ये जो राजस्थान वाला क्षेत्र है वहां पर पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP। सो आफ्टर द रिटायरमेंट, जब ये रिटायर कर गए तब आप लिखेंगे कि योन होम ने 1883 में शिमला में क्या बनाया, ऑल इंडिया यूनियन बनाया, जो अभी आपको बताए थे। और ऑल इंडिया यूनियन जो बना इसको चेंज करके जो भी आपने लिखा ना 1885 में, इसका नाम क्या हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस। अभी आपने उठाया नेशनल वर्ड, आप लिख ले आगे इन द ईयर 1891 ऑल इंडिया कांग्रेस बिकम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1891 में ऑल इंडिया कांग्रेस जो था वो बन गया इंडियन नेशनल कांग्रेस 1891। आगे लिखिए कि इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था, इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड। पहला सेशन में कितने लोग शामिल हुए थे, 72 लोग हुए थे। एंड मैक्सिमम फ्रॉम लिखेंगे बॉम्बे, लिखिए आप लोग, लिखते रहिए फिर बाद में तो याद रहेगा, कंप्यूटर वाला ब्रेन रखे होंगे तभी ना याद रहेगा। सबसे ज्यादा लोग थे बॉम्बे से और सबसे कम लोग थे पंजाब एंड बंगाल। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, लिखिए कि कांग्रेस बनाने में आनंद मोहन घोष और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सबसे ज्यादा मेहनत किया। आनंद मोहन घोष एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सबसे ज्यादा मेहनत किया, लेकिन कांग्रेस की स्थापना में वे शामिल नहीं हुए, क्यों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन घोष दे वर्क वेरी हार्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस बट दे डिड पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन बॉम्बे। व्हाट इज द रीजन, इसमें लिखना है कि इन द ईयर 1885 एट द सेम टाइम इन कलकत्ता ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस वाज गोइंग ऑन। कलकत्ता में ऑल इंडिया कांग्रेस का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस चल रहा था सेम टाइम पर, कांग्रेस का नहीं, ये इंडियन एसोसिएशन का था। एक क्वेश्चन यहां पर लिख लीजिए फिर से, विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द कांग्रेस इन इंडिया, इंडियन एसोसिएशन। भारत में सबसे लोकप्रिय संस्था कांग्रेस बनने के पहले इंडियन एसोसिएशन था, इसकी स्थापना 1876 में इन्होंने किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन घोष। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस बनने के पहले यह सबसे इंपॉर्टेंट संस्था थी भारत, इंडियन एसोसिएशन इसका नाम था।
और भारत का पहला विदेशी संगठन अगर पूछा जाएगा तब लिखेंगे 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में बनाया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश लंदन में पार्लियामेंट का चुनाव जीते, फर्स्ट इंडियन। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में, कांग्रेस का फर्स्ट जो सेशन था उसमें ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं किए। फर्स्ट सेशन में टोटल लिखेंगे कि 9 प्रपोजल पास हुआ, 9 प्रस्ताव पारित हुआ। और उस समय भी देखिए, आज जो आपकी डिमांड है, आज आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, हमारा कल्चर को बचाना है, यूनिवर्सिटी बनाइए, ये सारी डिमांड उस समय में भी चीज वही था जो आज आप डिमांड कर रहे हैं। डिमांड उस काल में था, उस समय से लेकर आज तक सेम डिमांड चलता आ रहा है। तो ब्रिटिश सरकार से डिमांड किया गया था कि सारी चीजें देनी चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाता है कि जिस समय कांग्रेस का स्थापना हो रहा था भारत में, उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उसमें लिखेंगे लॉर्ड डफरिन। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था ग्लेडस्टोन। कल हमने बताया था सिपाही विद्रोह के समय कौन था, बताइए, लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, कल बताए, पामिस्टर। और आज बता रहे हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय भारत में वायसराय का लॉर्ड डफरिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लेडस्टोन। अब कांग्रेस का जब स्थापना हुआ, इसके पहले जो भी संगठन थे उनके रीजनल मुद्दे होते थे, रीजनल इशू होता था और वो एरिया वाइज होता, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन था, पुणे सार्वजनिक सभा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी यूनियन, ऐसे कई संस्था थे। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है एक बार आईएएस में, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया दैट इज लैंड होल्डर सोसाइटी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था 1837, पहली राजनीतिक संगठन जमींदारी यूनियन लैंड होल्डर सोसाइटी। तो ये आपको याद रखना इन चीजों को। अब कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई, 1885 में, तो इसके उसी समय पर 1885 में, इसके पहले तो चार सेशन आप जल्दी से लिख लीजिए, पहला लिखिए बॉम्बे 1885 एंड द प्रेसिडेंट वाज, बोलिए बोलिए, यस, डब्ल्यू सी बनर्जी। अब एक चीज आप लोग बनर्जी देख करके सोच रहे होंगे कि ये तो पहला फर्स्ट हिंदू, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ लिखिए फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, क्योंकि इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का प्रथम क्रिश्चियन अध्यक्ष कौन था, तो यू हैव टू टिक डब्ल्यू सी बनर्जी, ही वॉज द कन्वर्टेड क्रिश्चियन। तो डब्ल्यू सी बनर्जी। सेकेंड कलकत्ता, ठीक है, 1896 एंड द प्रेसिडेंट वाज, ठीक है, लिख लीजिए दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट पारसी ग्रैंड ऑर्डरमैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पारसी। थर्ड मद्रास बद्रुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम। एंड फोर्थ इलाहाबाद जॉर्ज यूल, फर्स्ट इंग्लिश।
अब आप देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पहला चार सेशन कांग्रेस का क्या दर्शाता है, फर्स्ट फोर सेशन ऑफ कांग्रेस रिफ्लेक्ट। तो आप देखिए एक तो इधर बॉम्बे है वेस्ट में, और इधर देखिए कलकत्ता साउथ में, चेन्नई जहां मद्रास जिसका उस समय में नाम था, और ऊपर इलाहाबाद। तो आप इसको देखें कि चारों दिशा में कांग्रेस ने हर जगह पर कैप्चर किया। और अगर मेंबरशिप भी देखेंगे 72, 434, 607, 1248, तो इसका इंक्रीज ऑफ द मेंबर हो रहा था। और अगर इसमें धर्म देखेंगे तो क्रिश्चियन, पारसी, मुस्लिम और इंग्लिश। तो ये बता रहा है कि कांग्रेस का फर्स्ट फोर सेशन जो था वो सेकुलरिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है धर्म निरपेक्ष का, और ये फर्स्ट फोर सेशन से पता चल रहा है। अब देखिए कि कांग्रेस को नेशनल मूवमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भारत के हर क्षेत्र में कवर अप किया, राष्ट्रीयता का मुद्दा को रखा, फ्रीडम स्ट्रगल कि देश को आजाद करवाना है, तो रीजनल मुद्दा से अलग हट गया, जो रीजनल इशू थे उससे चेंज हुआ, ओरिजिनल इशू से चेंज हो करके ये एक नेशनल इशू की ओर चला गया, और इससे बना कि हमारा जो आंदोलन होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर होगा, इसलिए इसके पूरे मूवमेंट को नेशनल मूवमेंट बोल रहे हैं। 1885 से 1905 तक कांग्रेस में मॉडरेट फेज कहा जाता है। अब ये मॉडरेट जो वर्ड है उसको हिंदी में नरमवादी कहते हैं, मॉडरेट। तो 1885 से 1905 तक कांग्रेस का मॉडरेट फेज। मॉडरेट किसको बोलेंगे, Those who believes over the policy of British government and just they think British will do whatever we demand. उनको लगता था कि ब्रिटिश सरकार वो सारे कुछ देंगे जो मांगेंगे, जो उनका डिमांड होगा। तो ये मॉडरेट फेज आया, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि देश हमारा है तो हम ब्रिटिश सरकार से क्यों डिमांड करें, ये तो मेरा देश है, उनको हमसे पूछना चाहिए, they will have to ask from us। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। तो जो लोग ब्रिटिश पॉलिसी पर विश्वास नहीं करते थे उनको इतिहास में बोला गया एक्सट्रीमिस्ट, गर्मवादी, गर्म विचार के। एंड जो लोग विश्वास करके चलते थे उनको क्या बोला गया, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब नरमवादी। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट दो फेज आ गया, जैसे आप लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह, ऐसे कई नाम है जो एक्सट्रीमिस्ट में आएंगे। लेकिन शुरू में जितने भी कांग्रेस अध्यक्ष बन रहे हैं, जो भी आपने नाम लिखा, वो मॉडरेट है, क्योंकि उनका मानना था कि हम डिमांड करेंगे ब्रिटिश सरकार से और ब्रिटिश सरकार देने के लिए बाध्य रहेगी, उनको देना पड़ेगा, तो उनको मॉडरेट बोला गया इतिहास में। तो शुरू में ही कांग्रेस में कई विभाजन के संकेत शुरू हो गए, विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई कि कौन सही बोल रहा है, किसकी बातों पर चलेंगे। तो कांग्रेस के अगेंस्ट में कई चीजें भी तैयार होना शुरू हुई। अब अगर आप 1885 से देखते हैं तो कई लोगों ने इनके अगेंस्ट में स्टेटमेंट जारी किया। सबसे पहले लिखे लॉर्ड डफरिन ने कहा, इट इज ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, यह सूक्ष्म लोगों का एक समूह है। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, यह सूक्ष्म लोगों का समूह। साथ ही साथ जब आपको एक चीज और बता दें कि 1886 में कलकत्ता में जो सेशन हुआ था, उस सेशन में जितना पैसा खर्च हुआ था वो सारा पैसा लॉर्ड डफरिन ने दिया था कांग्रेस को कि हम एक पूरा भोज देंगे आपको, खाने का खर्चा देंगे।
और ये लॉर्ड डफरिन बाद में कांग्रेस के बारे में बोले कि ये एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, ये सूक्ष्म लोगों का एक समूह है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा संगठन मिल गया। और दूसरा स्टेटमेंट था उनका, जंप इनटू इनफिनिटी, इनकी मांग अज्ञात में एक छलांग है, जंप इनटू इनफिनिटी, इनकी मांग अज्ञात में एक छलांग है, ये भी लॉर्ड डफरिन ने कहा। 1886 में जो इंडियन एसोसिएशन था ना, जो बताए थे कांग्रेस के पहले वाला संगठन सबसे इंपोर्टेंट, वो 1886 में कांग्रेस में शामिल हो गया और अपने आप को मर्ज कर दिया उसको, तो कांग्रेस थोड़ा सा बड़ा भी संगठन बन गई थी। लेकिन बहुत से लोग कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और वो लोग कांग्रेस के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहे थे, इसलिए एग्जाम में सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि टीचर बेगिंग इंस्टीट्यूशन, यह भीख मांगने वाले की संस्था है, ये बोला बिपिन चंद्र पाल, बीसी पाल। बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बटलिंग पीपल, यह चापलूसों की संस्था है, यह चापलूसों की संस्था है। कांग्रेस भारत में अगला स्टेटमेंट है, और इसकी ब्रिटिश कमेटी लंदन में ब्रिटिश सरकार से भीख मांगती है। कांग्रेस इन इंडिया एंड इट्स ब्रिटिश कमेटी इन लंदन बैक्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। भारत में कांग्रेस और इसकी ब्रिटिश समिति लंदन में भीख मांगती है। ब्रैकेट में लिख लीजिए कि कांग्रेस ने एक ब्रिटिश कमेटी बनाया था 1889 में, चार्ल्स ब्राडला इसके अध्यक्ष थे, और इसने 1890 में इंडिया नाम की एक मैगजीन पब्लिश की, 1890 में इंडिया नाम की एक मैगजीन पब्लिश की थी। नेक्स्ट लिखिए बीजी तिलक का ही कि इफ वी क्रॉक वंस इन अ ईयर लाइक ए फ्रॉग वी कैन नॉट गेट फ्रीडम, अगर हम साल में एक बार मेढक की तरह चिल्लाएंगे तो हमें आजादी नहीं मिल सकती है, ये भी बीजी तिलक का स्टेटमेंट था। लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट लिखे कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, ये इसी पोस्ट चाहते हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। दूसरा लिखे कांग्रेस का अधिवेशन शिक्षित भारतीय का मेला है, इट इज अफेयर ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, कांग्रेस का अधिवेशन शिक्षित भारतीय का मेला है। इसके बाद अश्विनी कुमार दत्त का लिखे, एके दत्त का, कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिनों का तमाशा है, 3 days तमाशा। तमाशा एक लोकल नाटक होता है, एंड दे परफॉर्म नौटंकी, उन्होंने भी बोला कि वो लोग नौटंकी करते हैं, क्योंकि उनका अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर तक चलता था, इसलिए उन्होंने बोला कि उनका कोई भी सिर्फ दिखावा एक है, ये अश्विनी कुमार दत्त का स्टेटमेंट था। कांग्रेस के बारे में मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि ये फॉरवर्ड की पार्टी है, इट इज ए पार्टी ऑफ फॉरवर्ड क्लास, ये भी लिख लेंगे। लाला लाजपत राय और ये उर्दू, इन दोनों ने कहा था कि ये सेफ्टी वॉल्व है, तो प्रेशर कुकर में जैसे सेफ्टी वॉल्व होता है कि ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हो गया तो वॉल्व खुल जाएगा, उसी प्रकार से सोसाइटी में अगर गुस्सा होता है लोगों का तो वो रिवोल्ट करते हैं, लेकिन कांग्रेस
के आने से क्या हो रहा है, तो गुस्सा को ठंडा कर दे रहा है, वो सेफ्टी वॉल्व पे जैसा काम कर रहा है। तो ये उन्होंने कहा, और साथ में लाला लाजपत राय गांधी ने कहा कि ये सेफ्टी वॉल्व सुरक्षा कपाट है, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही बनाया गया एक संस्था है। अब आप यहाँ पर एक चार्ट ऐसा बनाए कांग्रेस का शुरू से अंत तक, तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगा। सबसे पहले कांग्रेस का नाम क्या था? यूनियन। उसके बाद इसका नाम क्या हुआ? इसके बाद आप देखें कि ये 1907 में, यहाँ 1907 में, एक तो पहले आप ये 1885 करें, ये 1883, और इसके बाद 1891 में इसका नाम हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर यहाँ से आप बनाएंगे चार्ट कि 1907 में इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट लिखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक पार्ट हो गया नेशनलिस्ट कांग्रेस। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक नेशनलिस्ट कांग्रेस, ये वाला तिलक ने बनाया था, बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। इसके बाद फिर आप ये दोनों को आप ऐसे कंबाइंड कर दें, ये दोनों को कंबाइंड कर दें, और दोनों को कंबाइंड करके लिखे 1916 में लखनऊ में इनका एक पैक्ट हुआ, समझौता हुआ विद मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मॉडरेट वाले लोग थे, नेशनलिस्ट कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, एंड बोथ ज्वाइंट टुगेदर इन लखनऊ इन 1916 विद मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना आप लोग जानते होंगे, अलग से यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 31 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था बांग्लादेश में, और करने वाले थे आगा खान और वहां के नवाब सलीमुल्लाह, 1906 में हुआ था। लेकिन ये तीनों को एक साथ लखनऊ में लाया गया और इसका नाम क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता 1916। और 1916 के बाद हम इधर ऊपर लिख दे रहे हैं, यहां लिखे 1918। 1918 में फिर कांग्रेस में दो पार्ट हो गया, पहला वही नाम रह गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरा लिखिए इंडियन लिबरल कांग्रेस आईएलसी, इंडियन लिबरल कांग्रेस। ये इंडियन लिबरल कांग्रेस जो था ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाया था, इंडियन लिबरल कांग्रेस। 1918 के बाद फिर आप ऊपर तीर का निशान हम कर दे रहे, आप इसको वर्टिकल ले लीजिएगा नीचे, हम आपको बोर्ड में ऐसा दिखा रहे हैं, आप इसको नीचे लिखते जाइएगा। इसके बाद देखिए 1922 में फिर से कांग्रेस का दो पार्ट हो गया, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक लिखिए ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी 1922 में स्वराज पार्टी के नाम से इसको जाना जाता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अलग विंग बना लिया 1922 में। और फिर 1922 के बाद आप आगे लिखें 1934 में लिखें कि कांग्रेस, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक बना समाजवादी कांग्रेस, राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाया था सोशलिस्ट कांग्रेस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था 1934 सोशलिस्ट कांग्रेस। इसके बाद आप लिखे 1936 और इसमें लिखेंगे फिर से एक बार विभाजन हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, ये सहजानंद सरस्वती जी ने बनाया था
स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने ऑल इंडिया किसान कांग्रेस 1936 और इसके बाद 1939 में फिर से एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस और अब बना फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में 1939 में बना फॉरवर्ड ब्लॉक जब कांग्रेस का कैंडिडेट उसमें चुनाव होता था ना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा तो कांग्रेस का उस समय में अध्यक्ष जो डिक्लेयर हुआ था वो थे पट्टाभी सीतारमैया लेकिन सुभाष चंद्र बोस ऐसे रेडिकल कैंडिडेट खड़े हो गए 1939 में और महात्मा गांधी ने बोला कि अगर वो चुनाव हार जाते हैं पट्टाभी सीतारमैया तो महात्मा गांधी की हारो और इसके बाद भी पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो पूरे देश में क्रिटिसाइज होने लगा कि गांधी जी का अगेंस्ट में उन्होंने काम कर दिया इससे नाराज होकर के सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को रिजाइन कर दिया और अपनी नई पार्टी बना ली फॉरवर्ड ब्लॉक और उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया तो इसके बाद 1942 से आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ फिर कांग्रेस में विभाजन नहीं हुआ है आगे और अंत में 1946 में जो भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1946 में उनका नाम था जेबी कृपलानी वो लिख लेंगे क्योंकि आजादी के समय वही थे 1946 में बने थे लेकिन आजादी के समय वो तो 15 अगस्त को क्यों क्योंकि कांग्रेस का सेशन किस महीने में होता था दिसंबर में होता था तो दिसंबर महीने में जो सेशन हो रहा है वो अगले साल दिसंबर में चेंज होगा तो 1946 में जो अध्यक्ष बने हैं वो कब तक रहेंगे 1947 दिसंबर तक रहेंगे इसलिए उस बीच में जितना भी घटना घटा उसमें कांग्रेस अध्यक्ष हो रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं कि कब कौन सा सेशन हुआ और किसमें अध्यक्ष कौन थे तो ये आपका कांग्रेस का मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज अब शुरुआती समय में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को समर्थन दिया बट क्यों तो आप देखेंगे उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क है कि इनिशियल फेज में कांग्रेस की रिसोर्सेज कम थी इनके पास मेंबरशिप नहीं था इनको लगता था कि अगर हम बड़ा रिवोल्ट करेंगे तो फांसी को लटका दिया जाएगा जैसे मंगल पांडे के साथ हुआ था तो इनके इनके मन में था कि हम लोग पहले एक बेस बना लें अगर एक बार बेस बनाने में सफल हो जाते हैं हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं देन वी टेक द रिस्क ऑफ मूवमेंट तो कोई कुछ नहीं कर सकता सो टेक द केस ऑफ गांधी जी हमेशा सत्याग्रह को बोलते थे लेकिन जब गांधी जी को ऐसा फील हुआ कि हमारे पास मास आ चुका है लोग आ चुके हैं तो वही गांधी जी जो हमेशा सत्य और अहिंसा की बात करते थे 1942 में गांधी जी ने क्या स्लोगन दिया डू और डाई करो या मरो तो गांधी जी वाज इन रेडिकल मूड क्योंकि उनको पता था कि ये सही समय है उनके पास मेंबर तो कांग्रेस जब 1885 में बनी थी उस समय उनको लगता था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है लोग कम है तो जब रिसोर्सेज नहीं है लोग कम है तो इसका रिजल्ट ये होगा कि अगर हम कोई आंदोलन करेंगे तो हमको दबा दिया जाएगा तो हम पहले ब्रिटिश सरकार के साथ मिल करके काम करेंगे धीरे धीरे लोगों को जागरूक करेंगे और उस समय हम लोग इंग्लिश एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था कारण क्या था इसका क्योंकि भारतीयों को लगता था कि भारत तो गुलाम बन गया है गुलामी के दौर से जी रहा है और जो बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते थे ब्रिटेन में रूस में जापान में वो अंग्रेजी में होता था तो जब तक हम कोई चीज पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे गुलामी की जंजीर को उखाड़ फेंकेंगे हम कैसे चुनौती बर्दाश्त करेंगे तो जब सोच ये थी राजा राम मोहन राय जी दयानंद सरस्वती की ये सोच नहीं था कि हमको अंग्रेजी भाषा भारत में रखना है सोच थी कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज लाते हैं तो भारतीय लोग अंग्रेजी पढ़ना शुरू करेंगे और जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो वो इंग्लिश मैगजीन और न्यूज़पेपर में छपने वाले आर्टिकल को पढ़ेंगे और जब वो आर्टिकल पढ़ेंगे तो उनके मन में क्रांति की भावना आएगी ब्रिटिश काल में
लेख लिखना, आर्टिकल लिखना हत्या से भी बड़ा अपराध था, क्योंकि आप हत्या करते हैं तो एक आदमी का करते हैं, लेकिन जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो आप पूरे समाज को जागृत कर देते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को 8 में अरेस्ट किया गया और 6 साल के लिए जेल भेजा गया था कि ये मराठा और केसरी मैगजीन में रेडिकल आर्टिकल लिखते हैं। गांधी जी को अरेस्ट किया गया था जब 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंस के समय में, उनके ऊपर आरोप यही था कि यंग इंडिया में वो रेडिकल लेख लिखते, तो इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी। अब तो फिर लेख वाला जमाना चला गया, अब आप मैसेज फॉरवर्ड वाला चलता है, आपके पास किसी ने भेजा, किसी को भेजे, पढ़े भी नहीं भेजते। लेकिन पहले जब लोग चिट्ठी पढ़ते थे या स्टूडेंट्स बाहर में भी तैयारी करने जाते थे तो पिताजी चिट्ठी लिखते थे, तो उसमें सेंटिमेंटल लिखा जाता था कि हम कर्ज लेकर के पढ़ा रहे, तो बच्चे पढ़ते थे, उनको लगता था कि पैसा बहुत मुश्किल से आ रहा है। अब आप देखिए, आपके आप ही लोग हैं यहाँ, सारे लोग पैसा देके पढ़ रहे हैं, रेगुलर कोई है क्या? तो आप पढ़ाई से ज्यादा क्या कर रहे हैं? खुद को एंटरटेनमेंट है। आपका है कि घर में अगर मन नहीं कर रहा तो चलो कोचिंग का चले जाते, बट दोज हु आर द प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस, सो यू विल गो थ्रू द मेट्रो सिटीज इन दिल्ली, एक क्लास मिस नहीं करता, एक क्लास। और आप में से हमको एक भी बता दीजिए कि एडमिशन के बाद आप रेगुलर है ना, सारे लोगों का कि आईएएस करना है, ऑफिसर बनना है, लेकिन कैसे कैसे बनेंगे आप लोग जब तक, पहले तो रेगुलर नहीं है, और आपका